ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। হাথরাস কাণ্ডে সিটকে আরো 10 দিন সময় দিল উত্তরপ্রদেশ সরকার। আজই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে রিপোর্ট পেশের কথা ছিল সিটের। তদন্তে আরো কিছু সূত্র উঠে আসায় 3 সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দলকে আরো 10 দিন সময় দেওয়া হয়েছে। হাথরাস কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নির্দেশে গঠিত হয় সিট। আমরা অপেক্ষা করতে পারি ন্যায় বিচার দেওয়া সরকারেরই কাজ, বললেন হাথরাসের নির্যাতিতার ভাই। नहीं, वो अपना सोसाइटी काम कर रही है, आज भी आए थे, वो लोग पूछा था जी कर रहे थे कि क्या और समस्या हो तो बताना हमें, और हम दोबारा भी आएंगे। देखिए, एक विश्वास ही कर सकते हैं और न्याय तो दिलवाना सरकार के उसमें है कि कैसा न्याय मिलेगा ये तो आगे पता चलेगा हम लोग, क्योंकि इस तरीके से जो बचने का आरोपी तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है, बार बार कुछ ही इंजाम लगाया जा रहा है कि कभी किसी लड़की की, जो लड़की है उसका भाई का नाम भी संदीप है, उसने मारी है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बार बार जो आरोप लगाया जा रहा है ये बहुत गलत लगाया जा रहा है, चारों तरफ से हमें लोगों को ही दबाया जा रहा है, क्योंकि या तो समझ लिए हम गरीब लोग हैं इसलिए दबाया जा रहा है, या कुछ भी हो सकता है इसमें।